अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आई हूँ बॉम्बे में कालबा देवी, जहाँ पे बर्तन की मार्केट है। यहाँ पे आपको होलसेल भाव में बर्तन मिलेंगे और यहाँ पे पूरे लाइन से बर्तन है। अगर आपके घर में शादी है या कुछ फंक्शन है तो आप यहाँ से अलग अलग तरीके, अलग अलग डिज़ाइन के बर्तन ले सकते। तो यहाँ पर जब हम चलते रहते तो यहाँ के दुकानदार लोग हमें आवाज़ दे दे के बुलाते रहते। तो यहाँ पे मैं आ गई थी एक दुकान में। सारी दुकान घूमने के बाद में एक दुकान में मैंने डिसाइड की कि मैं यहाँ से सामान खरीदूँगी। तो यहाँ पर आकर मैं बैठी और उनको बोलने लगी थी कि मुझे किस तरह के बर्तन चाहिए। तो मुझे चाहिए थे पीतल के बर्तन, पीतल के टोप चाहिए थे मुझे, क्योंकि रेसिपी उसमें बनानी थी मुझे। और ये पीतल के बर्तन बहुत ही अच्छे होते हैं ना, आगे आपको मैं बता दूंगी क्या पीतल के बर्तन की जानकारी। तो यहाँ पे हर वैरायटी के बर्तन थे, हर डिज़ाइन के बर्तन थे। देखकर तो दिल हो रहा था क्या ये वाला लूँ क्या वो वाला लूँ, बस अलग अलग किस्म के बर्तन यहाँ पर डिज़ाइन वाले देखने मिल रहे थे ना सिर्फ। और बहुत ही खूबसूरत बर्तन थे। यहाँ पर मैं उन लोगों को बार बार पूछ रही थी ये ओरिजिनल पीतल है ना, इस पर कोई कोटिंग बीटिंग तो नहीं किया गया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल भी कोटिंग वाला नहीं, अगर आप घर पे जाने के बाद में धोने के बाद में कुछ भी निकलता है तो आपको मैं इसके बदले में डबल पैसा दूंगा। हाँ। ये ओरिजिनल पीतल है। और ये दूसरा वाला बता रहे थे ये चालू वाला पीतल है, ये जो चाय वाले लोग रहते हैं ना जो चाय पे बनाते हैं। हाँ। ये वो वाला पीतल है, चाय बनाने के लिए, दूध गर्म करने के लिए अलग पीतल होता है और खाना पकाने के लिए एक अलग पीतल होता है ना। बराबर बोली ना, एकदम बराबर बोले। तो चलिए, यहाँ पे मैंने दो किस्म के टोप पसंद की थी। वो तो सब सेम वैसे ही मिलेगा, खाली साइज दिखा रहा है, ये अलग चीज़ है। ये नहीं मिलेगा खाली साइज, मतलब साइज देखो तो अलग अच्छी है, ये अलग चीज़ है। क्या साइज है इसमें? कहीं सच उसे उससे उससे छोटा है ये। साइज आप देख लो, क्वालिटी एक तरीका मिलेगा, खाली साइज आप बताओ कौन कौन सा साइज चाहिए। ये साइज का छोटे में फिर फिर आ गया चल ये सेम साइज है ना, इसके दोनों के बीच में साइज नहीं आएगा। नहीं नहीं वो बोल रही है अंदर से वाइट कलर करके मिल जाएगा। साइज आपको मैं दिखा रहा खाली साइज में कंफ्यूज है, डाउट कलर का नहीं, इसे तो पैसा नहीं चाहिए।
निकालो कुकर निकाल। फिर तेरा क्या चल रहा है? इधर चल रहा है। 1 किलो ऐसा बनेगा नहीं ना, आधा किलो बनेगा ना। क्या चीज? मटन। मटन साथ ही 1 किलो 1 किलो आलू भी लगेगा। 5 का और 3 का प्लेट। ये छोटे नहीं है गाइस, मैं आपका पूरा किलो 700 ग्राम लूंगा। तो बहुत बड़ा लग रहा है। साइज है ना, इससे जो आता है ये दोनों के बीच का। दोनों के बीच में नहीं आता ना, इसके लिए मैं आपको साइज अंदर चेक करके तब निकाल के लाऊंगा। 10 बना दूंगा। ये दोनों के बीच में नहीं आता। ये और ये नहीं। इससे हल्का, इससे हल्का नहीं। फिर ओरिजिनल कोटिंग किया हुआ है क्या? नहीं नहीं, ओरिजिनल प्योर पिस्टल का है। कहीं भी टच करा सकते हैं, कटिंग करा सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं ना, इसमें वो कलाई का जरूरत नहीं है ना। तो नहीं, खाना खाने को लगा ले। इसको खाना खा, इसको कलाई करने का जरूरत नहीं पड़ता। कलाई खाली आपको जो बनाते हैं ना, जो आइटम बनाते हैं तांबे का पिस्टल का। सुखी बांध लो इसको, सुखी सुखी बांध लो अंकल के हिप सच्चा डालो। खाना खाने के लिए ये वो ये वाला नहीं चाहिए। अच्छा लग रहा था वाला नहीं है। डोसा के लिए ना, डोसा भी बनाते ना इससे, रखकर के बीच में ऐसा मारते। किधर है ये वाला है? काथा नहीं, उत्तर नहीं। हाँ, नॉर्मल नहीं। बाद में 3-4 साल का हुआ तो राजू 300-350 का चक्कर लग गया। कहीं भी अब तो हर जगह, अब यहाँ लेके आएंगे तो हम 5 चश्मे ले कर नहीं नहीं, उसे तो चलाने रखा लेते। हमें नाम लिखो ना। अफरोज किचन, अफरोज किचन लिखो, ए के लिखो, ए के मैं बोलता हूँ, लिखो AFROZ और किचन KITCHEN. तो चलिए, यहाँ पर हमारा बर्तन लेके हो चुका था, तो काफ़ी ज़ोरों की भूख लग गई थी और बज गए थे 8। तो हम लोग वहाँ से आए शालीमार में खाना खाने के लिए। अभी शालीमार में हमारी एंट्री हो रही है अंदर। यहाँ पे पार्किंग का बहुत लफड़ा है। पार्क बॉम्बे में जाएंगे ना आप, कहीं पर भी तो आपको पार्किंग की बहुत ही टेंशन रहेगी, है ना। हाँ। अगर आप पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे तो 1 घंटे का ₹100 है बराबर। और अगर आप इधर उधर लगाने का सोचेंगे तो कहीं पर भी जगह नहीं मिलती है। तो चलिए, अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। अभी हम लोग डिश में क्या क्या मंगाएंगे आसिफ? हाँ बताएगा, बताऊंगी ना। और ये शालीमार होटल बहुत ही बड़ा है, यहाँ का बहुत ही बड़ा होटल है और यहाँ का खाना भी बहुत ही टेस्टी है ना। तो चलिए अंदर से देखिए। बाहर से आपको देखने में काफ़ी छोटा दिखेगा मगर अंदर ये होटल काफ़ी बड़ा है। और ये देखिए यहाँ पे, ये क्या है सिर्फ इसको, फिश का, ये फिश हाउस, फिश हाउस है ये। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जब भी मच्छियाँ जब पानी में तैर रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था, मगर मैं ज़्यादा टाइम रुकी नहीं क्योंकि मुझे, मैंने सुबह में नाश्ता की थी, उसके बाद मैं कुछ खाना ही नहीं खाई थी।
दोपहर में डायरेक्ट फिर हम लोग रात को 8 बजे एक बार खाना खा लिए, एक ही बार खाना खा लिए। यहाँ पे आपको दस्तरखान भी मिलेगा अगर आप दस्तरखान पे बैठना चाहते हैं तो। अभी अपन ने लिया ना बर्तन, अभी इसके बारे में बताएंगे कि कैसे मतलब इसमें खाना पकाने के कितने फायदे हो रहे हैं। मिट्टी के बर्तन में खाने के कितने फायदे होते हैं। अभी हम लोग शालीमार से निकल चुके, फिर बीच में रास्ते में मैं गई थी ना वहाँ पे मुझे कुर्ती लेनी थी, लखनऊ कुर्ती मैंने ली 5 से 6। उसके बाद में मैं आई यहाँ पर मरीन ड्राइव पे आई थी, है ना। ये हमारे मुंबई में है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। इंशाल्लाह अगर आप लोग कभी भी हमारे मुंबई आएंगे तो ये जगह पे ज़रूर आना, बहुत लोग इंजॉय करते हैं यहाँ पर आकर। सही टाइम पे आया अपने एकदम। रात को हम लोग ऐसे घूमते घूमते आ गए, अम्मी का मन किया मतलब सुन लो जाके आते थे। नहीं लेटने वेटने नहीं देते, बैठते ही थे आराम से। मस्त सब पूरा पानी उड़ रहा है इधर, कोई पैदा मांगने पीने वाले लोग तो सो जाते थे ना इधर, हवा मस्त हवा ताली हवा। कोई इधर मरीन ड्राइव के सामने रहता है क्या बिल्डिंग में हम लोग का जो वीडियो देखता है, कमेंट करो हम लोग को जो भी देखता रहेगा। तो हम लोग एक दो दिन फिर सुबह सुबह उठने के साथ समुद्र के साथ दिखता है, थोड़ा पानी उड़ रहा है मस्त एकदम पीछे लहर। सर मैं देखो पीछे से पूरा पीछे से दिख गया। चलिए गाइस मैं आ चुकी हूँ अभी घर पे, मेरी पूरी शॉपिंग खत्म करके, यानी बर्तन की
मार्केट गई थी मैं, तो बर्तन की मार्केट कहाँ थी आपकी एड्रेस बता? ये बर्तन की मार्केट है बॉम्बे में कालबा देवी रोड पे, मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हाँ, तो यहाँ पे आपको होलसेल भाव में सारे बर्तन मिलेंगे, जैसे कि आपके घर में शादी है या आपने नया कुछ घर भी लिए हैं, आपको सारे पुराने बर्तन चेंज करने हैं, नए बर्तन लेने, तो वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं। तो मैंने वहाँ से क्या क्या चीज़ें ली हूँ मैं आपको बता देती हूँ, और साथ ही मैं कोई इम्पोर्टेड बात भी बताने वाली हूँ, है ना, बर्तनों के बारे में। तो ये वहाँ से मैंने इस तरह की एक डेगची ली हूँ, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी डेगची है, इसके अंदर आप है ना बिरयानी बना सकते हैं, इसके अंदर आप खिचड़ा बना सकते हैं और हलीम भी बना सकते हैं ना। तो ये खिचड़े के लिए और हलीम के लिए एकदम बेस्ट टॉप है, है ना। ज्यादा करके आप जब ऐसा बाहर साइड में खाते रहेंगे ना, क्या बोलते सी क्या बाहर खाते हैं उसको क्या बोलते हैं भैया, स्ट्रीट फूड। हाँ, उधर पे खाते हैं ना बाहर जब भी ये सब हाँ, खिचड़ा वगैरह हाँ, जब हाँ, ठेले बीले पे लगाए देते हलीम बिलीम ऐसा बाहर ठेले वगैरह पे लगाए देते, तो उन लोग इसी में बनाकर ना बेचते हैं, है ना। और इसी के अंदर ना बहुत अच्छे से घुटाई भी होती है, अच्छे से मिक्स भी होता है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, देखिए ना, है ना, देखती बोलते। और फिर इसी के साथ में मैंने यहाँ पर एक चम्मच ली हूँ, इस तरह का जरा चम्मच उल्टानी या इसी उल्टानी मुझे ज्यादा लगती है, एक चाकू ली हूँ मैंने, और साथ ही में मैंने ये एक सर्विंग बॉल ली हूँ। हाँ, सर्विंग बॉल है ना, सर्विंग बॉल, जैसे कि मैं रेसिपी वेसिपी शूट करती हूँ ना, तो इसमें निकाल के दिखाने के लिए थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। ये मैंने ली हूँ, ये बोलते हैं ये तवा, ये सर्विस तवा है, सर्विंग तवा है। इसके ऊपर हम कुकिंग नहीं करेंगे, जब हम तवे का कोई भी आइटम बनाएंगे ना, तो इसके ऊपर रख कर हम इसे दिखाएंगे आप लोगों को, है ना, अफरोज किचन पे, तो आप लोग जरूर देखना है ना। तो ये हो गया यहाँ पर मेरा ये सारा चीजें। अभी मैं आपको एक अच्छी चीज बताती हूँ, तो ये मैंने ली हूँ पीतल के बर्तन, तो पीतल के बर्तन भी मैं वहां से ली हूँ, ये देखिए, ये है पीतल की कढ़ाई, एकदम ओरिजिनल पीतल की कढ़ाई है ये, अंदर जो है इसके कोटिंग की ये किया है, क्या कहते हो लाला, कलाई। अंदर जो है कलाई करके देते हैं उन लोग, और भाव साइड में एकदम पूरा ओरिजिनल पीतल है। पीतल के मैंने दो टोप भी लिए, इसमें आप चिकन या मटन जब बनाएंगे ना, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो ये देखिए, ये पीतल के मैंने दो टोप ली हूँ, अंदर से इसके कलाई की हुई है और बाहर से इसको कलाई नहीं है, है ना, ये एकदम ओरिजिनल पीतल है। अभी पीतल के बर्तन में खाना खाने के फायदे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताई थी कि मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से कितने फायदे होते हैं, वैसे पीतल के बर्तन में जब हम खाना बनाएंगे और खाएंगे तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि हमें बहुत सी चीज़ों से राहत मिलेंगी, जैसे कि डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया, कोई भी बीमारी हमारे अंदर आने से पहले ही खत्म हो जाएगी, हाँ। हमारे अंदर नहीं आएगी। पीतल के बर्तन में खाने के ये फायदे, अगर आपको नहीं समझ में आएगा, पीतल के बर्तन की ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप गूगल पे सर्च करके भी ले सकते हैं, बराबर। जैसे, और दूसरी बात, इसमें कोटिंग करके ही आप खाना पकाना, है ना, इसमें सॉरी कलाई करके, कोटिंग ही चाह रहा मेरे मुंह में, और बोल रही थी मुझे कोटिंग वाला नहीं चाहिए, मुझे ओरिजिनल चाहिए, मैं ये बोल रही हूँ कलाई करके ही आप इसमें खाना बनाना, है ना। जब वहाँ पे आप लेने जाएंगे तो आपको ये कलाई करे हुए मिलेंगे, अभी मेरे को ये कलाई करे हुए मिले हैं, अभी मैं कम से कम 4 से 5 साल के बाद में मुझे इसमें कलाई करनी पड़ेगी, बराबर। अभी अंदर से तो ऐसे ही रहेगा, बाहर से हमें इसे नॉर्मली किससे घसना है, नॉर्मल कांटे से, तो स्पंज का कांटा आता है नॉर्मल, उससे हमें घसना है, और पीतम्बरी पाउडर से भी घस सकते हैं, पीतम्बरी पाउडर से घसेंगे ना तो एकदम चमकेगा, मैं तो चमकाऊंगी और बनाऊंगी भी, है ना। और देखिए, ये पीतल का मैंने चम्मच भी ली हूँ, ये चावल का चम्मच, ये सालन निकालने के लिए चम्मच ली हूँ, ये मैंने एक पीतल की प्लेट ली हूँ, और हाँ, ये आपको थोड़ा हैवी रेंज में मिलेगा, मगर आप इसका रेंज का टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, जब आप इसे देने जाएंगे ना, तो आपको
जो रेंज में आपने लिए थे वही रेंज आपको ऑफिस मिलेगा। हाँ। है ना, इसका भाव सोने के भाव के जैसा होता है, इसका भाव कभी भी पीतल का भाव कभी भी कम नहीं होता है। पहले के राजा महाराजा लोग सोने के बर्तन में खाना खाते थे, चांदी के बर्तन में पानी पीते थे। क्यों पीते थे? क्योंकि बहुत से उसमें फायदे थे, बहुत से विटामिन्स मिलते थे। अभी के लोग, अभी हम नए नए जमाने के लोग हैं तो सब वो ब्लैक बर्तन हो गया, जर्मन के बर्तन हो गए, इनर सेट, हाँ नए नए सब निकल गए, कम काम, ये सब काम ज्यादा घसने वाले बर्तन है। मगर इसमें खाना खाने के बहुत से फायदे होते हैं। आप गूगल पे सर्च करके देखिए, मुझे इतना तो पता नहीं है, मगर हमारी जब दादी हमें बताती थी ना कि पीतल के बर्तन, हमारी दादी के पास बहुत थे, कुकर में, हाँ कुकर भी लेके आओ, पीतल के बर्तन हमारी दादी के पास बहुत थे, तो पीतल के बर्तन के बहुत सारे फायदे है। तो ये इस तरह की मैंने ये वाटी और ये प्लेट भी ली हूँ, है ना, माशाल्लाह, है ना। तो मैंने ज्यादा तो नहीं ली, और मेरे बाद में मैंने आफी बशरफ को बोली हूँ कि ये पीतल के बर्तन को संभाल के रखना, यूज करना, खाना पकाना, बेचना बीचना मत। इसके ऊपर मैंने अपना नाम लिख के लेके आई हूँ, सब बर्तन पे लिखे, सब पे, इस पे लिखे ना अफरोज किचन, अफरोज किचन, है ना। तो मुझे ऐसे सब बर्तन है ना, ऐसे सब सामान है ना, बहुत पसंद है, पुराने जमाने की मुझे बहुत पसंद है चीजें। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी इसके अंदर मटन बनाऊंगी, चिकन बनाऊंगी मस्त में, इसमें चावल बनाऊंगी, है ना, हम लोग का इतना तो गोश्त बनता ही है, मस्त एकदम। तो चम्मच मार के, मस्त ये चम्मच मारूंगी स्टील का, तो चावल और मैंने कुकर भी लियो, कुकर भी लिया मैंने, मेरे को ये वाला कुकर लेने का बहुत ही मतलब मेरा अरमान था, तो मुझे लेने को ही मतलब ये नहीं हो रहा था, उसमें अटका है, पैन कुकर बोलते हैं, पैन कुकर ये निकाल लेगा, कुकर की सीटी निकालो, पैन कुकर बोलते हैं, पैन कुकर है, इसमें वारंटी कार्ड वगैरह सभी लगे, मस्त पैन कुकर है, ये निकाल के ना रबर, ये देखो कितना अच्छा पैन कुकर है, इसी के अंदर आप बगार डालो, इसी में साग गोश्त डालो, दाल डालो, सब इसी में डाल के पका लो, मत ढक्कन लगा दो एकदम, है ना, पैन कुकर बोलते है, लॉक हो गया, मस्त है, देखने में बहुत खूबसूरत है ना, देखिए ना कैसी लगी आप लोगों को मेरी बकरा ईद के बर्तन की शॉपिंग। पिछले साल के बकरा ईद में मैंने सारे मिट्टी के बर्तन लेके आई थी, ये टाइम पे जाके मैंने तांबे के पीतल के बर्तन लेके आई हूँ, है ना, अभी ये टाइम पे मैं बकरा ईद में आपको पीतल के बर्तन में खाना पकाना बताऊंगी, है ना। हाँ। तो चलिए अल्लाह हाफिज, इसमें खिचड़ा बताऊंगी और इसमें हलीम भी बताऊंगी, है ना, पुलाव बिरयानी भी, पुलाव और बिरयानी भी बताऊंगी, बिरयानी ज्यादा अच्छी लगती है, पुलाव कैसा लगता है, जमजम पुलाव, जमजम पुलाव, इंशाल्लाह बाद में फिर जाऊंगी ना तो इसमें कॉल सेट लूंगी मैं, पीतल के बर्तन अभी यूज करूंगी पूरे घर में, पीतल के बर्तन बहुत अच्छे रहते हैं, पीतल के बर्तन। चलिए लाफी, दुआ में याद रखना, इस तरह का अच्छा अच्छा ब्लॉग देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी सी रेसिपी के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अच्छे ब्लॉग के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।